हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HUSE सपोर्ट टेकी। ये देखिए नाइटेक NE200 मॉडल का VFD है, इसमें OC3 एरर शो कर रहा है। जब हम रन बटन प्रेस करते हैं तो ये OC3 दिखा रहा है और VFD रन नहीं हो रहा, ट्रिप हो जा रहा है। तो हमने ये VFD का इनपुट, पावर सप्लाई सब कुछ चेक किया, सब बराबर है। लेकिन जब हमने आउटपुट चेक किया तो इसमें देखिए मोटर का जो आउटपुट है UVW, इसमें जो है किसी ने जो है कुछ पावर सोर्स कनेक्ट कर लिया है। ये देखिए बी फेस में किसी ने जो है एक सिंगल फेसिंग के लिए पावर सोर्स कनेक्ट कर लिया, इस वजह से जो है इसमें सिंगल फेस ओवर करंट हो रहा, आउटपुट में ओवर करंट होकर जो है ये एरर ट्रिप जो है OC3 दिखा रहा है, ट्रिप कर रहा है। तो हमने इसे जो है फिर वापस से वो डिस्कनेक्ट कर दिया है। अभी ये हमें निकालना पड़ेगा, निकाल के डिस्कनेक्ट कर दिया। तो अभी देखिए VFD रन हो रहा है, हर्ट्ज़ में इंक्रीज़ हो रहा है। इसलिए हमने क्या किया, वो पावर सोर्स को जो हमने वापस से जो है इंटरलॉकिंग में दे दिया, जो पोटेंशियल फ्री पॉइंट था A6 और A7 जो पोटेंशियल फ्री पॉइंट है उसमें कनेक्ट कर दिया है। इन पोटेंशियल फ्री पॉइंट में क्या होगा, जो फेस आप इनपुट देंगे वही फेस आउटपुट आएगा, जो भी पावर आप इनपुट में देंगे वही आउटपुट में आएगा पोटेंशियल फ्री पॉइंट में। तो ये मोटर स्टार्ट होती है जब एक आउट सोर्स चाहिए था कि मोटर रन हो रही है, वो सोर्स के लिए उन्होंने यूज़ किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं A6 और A7 रन स्टेटस टू BMS, तो स्टेटस के लिए उन्होंने ले लिया था। तो मैंने अभी उसे पोटेंशियल फ्री पॉइंट में स्टेटस दे दिया है A6 और A5। इसमें लगाने के बाद में अभी हमारी मोटर जो है प्रॉपरली VFD रन हो रही है और मोटर को जो पावर सप्लाई जो है बराबर से जा रहा है। अभी देखिए 30 Hz में रन हो रही है। अगर ये पोटेंशियोमीटर हमने इनेबल किया है, देखिए अभी 45 Hz मैक्सिमम हर्ट्ज पर चल रहा है। अगर ये पोटेंशियोमीटर को हम लोग प्लस माइनस करते हैं तो देखिए फ्रीक्वेंसी भी जो है अप एंड डाउन हो रही है। तो मैक्सिमम इसका 45 Hz है, 45 Hz में अभी ये जो है VFD जो है रन हो रही है। तो मेन क्या है, ये VFD का जो आउटपुट होता है UVW, कभी भी इस VFD के आउटपुट्स में जो है हमें जो है इंटरप्शन नहीं करना है। VFD का आउटपुट जैसे निकलता है सीधे हमें जो मोटर को लगाना है उसमें से कभी भी टैपिंग नहीं लगा। अगर आपके पास नॉर्मल स्टार्टर है, डॉल स्टार्टर है, तो इनकेस अगर कुछ सर्किट का जो है एम्स बढ़ता है तब वो वाला ट्रिप करेगा, लेकिन ये VFD में ऐसा नहीं होता। VFD में जो हम कंटिन्यूसली जो आपको ट्रिप स्टेटस दिखा देगा। थैंक यू गाइस, दैट्स इट, मिलते हैं अगली वीडियो।